discovery that the shower continue. So let's start the chapter. When after month of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, when Harold Potter was starting investigating his nested coffins, finally when first time he was observed in 1922, after that he was started investigations about that coffins. जैसे वो क्या होता है, एक मंथ के बाद ही उनके बहुत केयरफुली वो क्या करने लगते हैं उस फ्यूनरी के बाद, जब उनकी इस बार उस ट्रेजर्स के लिए वो क्या करने लगते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. सो इट वाज द फाउंड दैट देयर हैव थ्री कॉफिन्स. तो वहाँ पे थ्री कॉफिन्स थे, उसमें से क्या करता है, वेन ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड. वेन ही फर्स्ट टाइम ही वाज द फाउंड in the first coffin, what was the found that shroud, jisko kafan bolte hain, as adorned with the garlands of willow and olive leaves, white chervil, lotus petals and cornflower, the fair evidence of the burial in the March and April. When it was the found, it is so many different types of flowers where in the first कॉफिन, पहली कॉफिन में जब वो क्या करते हैं तो क्या मिलता है उनको, श्राउड मिलते हैं, गार्लैंड्स मिलता है एंड विलो गार्लैंड्स, ओलिव लीव्स मिलता है, वाइल्ड चेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, दे ऑल हैव स्पेशली दिस टाइप्स ऑफ फ्लावर विल बी मेड इन इजिप्ट इन विच टाइप ऑफ मंथ, मार्च एंड अप्रैल. अब ये वो उसको देख के समझ जाता है, जो हार्वर्ड क्वार्टर होता है वो उसको देख के समझ जाता है कि ये कौन से मंथ का होगा, मार्च टू अप्रैल, क्योंकि वो उसी टाइम में वो जो फ्लावर्स होते हैं वो उस टाइम ही उनको मिलता है. आफ्टर दैट व्हेन ही वाज द कंटिन्यू फाउंडिंग हिज एंड इन्वेस्टिगेशंस हिज कॉफिन, सो ही वाज द फाउंड दैट इन द थर्ड कॉफिन व्हेन ही वाज द फाइनली रीच्ड द मम्मी, जब वो थर्ड उसमें वो मम्मी की हो जाता है, so he was the found that he ran into trouble, he was facing lots of problems when he was just open that coffin. जैसे उस coffin को open करता है, तो उसको problem face करनी पड़ते हैं. अब वो कौन सा problem था? See, the ritual reasons reasons had hardened 7 feet to the bottom of his solid gold coffin because they have usings of सॉलिड गोल, क्योंकि उसके जो लेयर्स में थे एज द कॉफिन एज द लास्ट बाउंडिंग बॉटम साइड, उसमें कुछ सॉलिड गोल यूज किया गया था. आफ्टर दैट नो अमाउंट ऑफ एलिमेंट फोर्स टू मूव देम, दैट्स बिकॉज़ इट वाज जस्ट लाइक एज द पेस्टेड, और इस तरीके से उसमें सॉलिड गोल होने के कारण पूरी तरीके से पेस्ट हो गया था, चिपक गया था, और यही कारण था कि उसको अब कोई भी फोर्स से बाहर नहीं निकाल पा रहा था. एंड हू सेज दिस वर्ड्स? हार्वर्ड कार्टर. लेटर व्हाट वाज टू बी डन, आपको बोलने लगता है कि आगे क्या हुआ होगा. सो हार्वर्ड कार्टर वाज ट्राई टू केम आउट दैट डेड बॉडी बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल, सो फाइनली ही वाज डिसाइडेड ही विल बी कीप दैट coffee as keep that mummy in the shell side because Egypt as the sun was very bright, it is the very warm. आपको वहाँ का पता है जो हमारा Egypt का होता है और वो sun sign तो बहुत जैसे कि desert मानो desert हो, तो वैसे वहाँ के जो sun sign होता है वो बहुत ज़्यादा effective होता है. तो वो क्या करता है, वो करता है कि उसको वो कहाँ पे रख देता है, सन के सामने में. अब फाइनली वो उसको वहाँ पे तो रखता है एंड आफ्टर दैट ही वाज टू नीड्स कम आउट दैट सॉलिड गोल, आपको चाहता था कि वो वहाँ पे रख दे, स्पेशली दैट मम्मी वाज द आउटसाइड ब्लेजिंग सनशाइन इन द हीटेड ऑफ 149 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब वहाँ का जो टेम्परेचर था 149 डिग्री फ़ारेनहाइट था, फिर भी क्या होता है, देर आर नथिंग वह कुछ भी काम नहीं करता, एटलीस्ट दैट इज
so warm day, but that has nothing changed on that mummy. उस मम्मी में उसके लिए जो गोल्ड लगा हुआ था, जिसका रस वो उसका जो डेड बॉडीज था, उसके जो स्कैल्स थे, वो क्या हो गया था, पेस्ट हो गया था, और यही कारण था कि वो कुछ भी निकल नहीं पाता. फाइनली ही वॉज नोन दैट इफ ही विल बी कीप आउटसाइड ऑफ दैट टॉम, सो डेफिनेटली इन द नाइट थीफ विल बी कम एंड दे विल बी टेक द ऑल गोल्ड मैटर्स. And he known very well because there have lots of thieves. अब उनको पता था अगर वो उस मम्मी को बाहर में छोड़ दें तो वहाँ पर बहुत सारे thieves आएंगे. Thieves आ करके क्या करेंगे, उनकी जो gold plates है उसको निकाल कर ले जाएंगे. After that, when Harvard was known that especially that was the belong to very rich एंड वेल्दी फैमिली. अब क्या होता है, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद हर्बर्ट कार्टर को ये पता चल जाता है कि वो एक बहुत वेल्दी फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग्स करते थे. बिकॉज आफ्टर हिज डेथ सो मैनी यूजफुल एंड सो मैनी प्रीसियस थिंग विल बी कीप ऑन हिज फैमिली. बिकॉज हिज फैमिली वॉज थिंकिंग अबाउट दैट इफ यू विल बी कीप सो यू विल बी फीलिंग ऑफ एज द रीच. अब क्या था, उनकी फैमिली भी यही हमेशा से सोच दिया है कि वो एक क्या है, एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं. अब बड़ी फैमिली का मतलब क्या था यार, वो लोग तो थे क्या, वो लोग तो वैसे भी रूलर फैमिली से बिलोंग करते थे, एक एम्पायर्स थे. तो उनके डेथ के बाद अब वो तो कॉमन सी बात है, क्योंकि वो एक सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था, एज द उत्तराधिकारी के साथ साथ वो एक लास्ट किंग भी था. अब होता यह है कि लास्ट किंग होने के कारण उनकी डेथ के बाद बहुत सारी चीजें उनके टॉम्स पे रखा जाता है. एंड व्हाट वाज दैट, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, प्रीशियस कॉलर्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, सेरेमनियल एप्रॉन्स, सैंडल्स, स्लेट्स फॉर द फिंगर्स एंड टोस, एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, ऑल वाज एवरीथिंग वाज द प्योर गोल्ड. जितने भी चीज़ें थी, जिसमें सेरेमनियल रिंग्स थे, नेकलेस थे, स्कॉलर्स थे, इस सैंडल्स थे, ये सब चीज़ क्या थी, कम्प्लीटली फुल ऑफ गोल्ड. अब अनुमान गेस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो. सो दैट वॉज अ वेरी रिच फैमिली, कि वो लोग कितने रिच फैमिली से बिलोंग्स करते थे. फाइनली ही मस्ट लेयर सैंड in the wooden box with the padding the skirt damage. After that he was the success, but he was not success clearly. ab uski body ko to nikal to leta hai, lekin waise nahi nikal pata jis tarike se wo nikalna chahta hai. First of all his head was separate, his body is the separate. ab uski head to alag ho jata hai, his body parts alag ho jate hain. Finally he was arranged in under mummy and there have a completely full of sand. अब एक और मम्मी में, एक कैफिन्स में उसको रखा जाता है, जिसमें उसके बॉडी के लिए, बॉडी मतलब स्केलेटन के लिए, है ना, कि उसकी बॉडी के लिए क्या करे, उसको एक जिसमें हार्म्स ना हो, इसलिए उसमें सैंड रखा जाता है फॉर हिज स्पेशली ऑफ बैलेंस. उसका बैलेंस बना रहे इसलिए उसको क्या किया जाता है, उनको सैंड क्या यूज किया जाता है ताकि कंफर्टेबल हो सके. व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट वाज द चेंज सब्सटेंस इन द इन्वेस्टिगेटिंग डिकेड्स. अब जैसे जैसे डिकेड्स होते गए, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो भी, उनकी थॉट्स भी बदलती गई. नाउ इन दिस टाइम्स दे आर नॉट फोकसिंग एनी मोर देन ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ. अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो अभी क्या पे फोकस नहीं करते, ऐसे लाइफ्स पे फोकस नहीं करते, या फिर अभी वो लोग हैं वो किस पे फोकस करते हैं, स्पेशली ऑफ चेंजिंग एंड मिस्ट्री ऑफ डेथ. वो लोग पहले क्या थे, डिटेल्स, लाइफ की डिटेल्स पे फोकस नहीं किया. आपका जो क्या है, आर्कियोलॉजी है, वो व्हाट वाज द रीजन, मिस्ट्री, कारण क्या है, इन चीज़ों पर फोकस करते हैं. और यही जो टेक्निक थी, जो अभी का इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी है, ये इन चीज़ों के बाद ही जाना जाता है.
in 1968, that have more than 40 years have done of his searching his tomb. So first time his X-ray, he was the found that in his the chest side main ribs have missing. अब वो जब क्या होता है after 40 years 1968 ये याद रखना कि 1968 में होता क्या है कि उनका जो इसका एक्सरे होता है तो एक्सरे में ये पाया जाता है कि उनके जो चेस्ट का मेन रिब्स था वो गायब थे. सो दैट इज द अनदर पॉइंट व्हेन ऑलरेडी टुडेज डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी कैप्चर्ड टोमोग्राफी और सिटी. So there have known everything at the hundred of X-rays, cross sections to put together light slice of the brain, create a three-dimensional virtual of body. अब उनकी जब सिटी स्कैन्स होते हैं तो सिटी स्कैन्स का क्या होता है उनके फुल बॉडी में डिफरेंट ऑफ से हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज किए जाते हैं, क्रॉस सेक्शन से एक्सरेज होता है उनके वर्चुअल बॉडी के साथ, जस्ट लाइक एज अ ब्रेन ऑफ क्रिएट हर तरीके से एक्सरेज किए जाते हैं. What more a CT scan rigor of that than the X-ray? अब होता क्या है कि उनके लैब के लिए सबसे मोस्ट टू बिगेस्ट क्वेश्चन आते हैं एंड दैट वन इज हाउ डिड ही डाई की रीजन्स क्या था, उसकी रीजन्स क्या था मरने का एंड सेकेंड थिंग की हाउ मैनी ईयर्स ही वॉज ओल्ड एंड ही वॉज डाइड, जब वो मरा था तो वो कितने ईयर्स का था, ये टू क्वेश्चन आते हैं उनके डेथ के. So, that demise was a big event on that time, especially it was belong to royal standard. जब तब का डेथ होता है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था. अब इवेंट्स मतलब इट इज नॉट अ हैप्पीनेस, दैट वॉज अ ग्रिप सिचुएशन बिकॉज ही वॉज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ हिस जनरेशन, क्योंकि वो एक लास्ट डायनेस्टी था. उसके बाद उनकी जो डेंसिटी थी, उनकी जो जेनरेशन थी वो वहाँ से ही खत्म हो जाती है. तो होता क्या है कि उनके फ्यूरल्स में बहुत सारे जो डेंसिटी बहुत सारी चीज़ों को रखा जाता है. फाइनली उसके बाद जो आते हैं दैट इज कॉल्ड टू एमेनहटेप थर्ड हिज ग्रैंडफादर व्हेन एंड व्हेन ही वाज द वेरी फेमस किंग ऑन दैट टाइम्स ऑफ इजिप्ट. आपको इजिप्ट का क्या था, ही वॉज अ वेरी ग्रेट किंग्स एंड ऑल्सो ही वॉज अ वेरी फेमस बिकॉज एज अप्रोक्स 40 ईयर्स ही वॉज द रूल्स ऑन द वेयर इजिप्ट. अब कहाँ वो इजिप्ट पर क्या किया था, 40 ईयर्स तक उन्होंने शासन किया था, दैट्स बिकॉज ही वॉज अ वेरी पावरफुल एंड वेरी फेमस. आफ्टर दैट when he was done his successor, that's called his times is called to golden age. जो उनकी dynasty थी इसकी dynasty Amenhotep third का, तो उनकी जो age थी उस dynasty को golden age के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो जो dynasty थी वो बहुत successful dynasty थी. after that when Amenhotep third have completed, so Tut's father come to the rulings and he was change his name. And what was the name? He first of all change his name and he was tell that Amun as the Akhenaten. जैसे वो अपने rulings में आता है सबसे पहले उससे उनके fathers थे Amenhotep third जो कि 18th century में क्या किए थे रूलिंग्स किए थे. उसके बाद एमेनहटेप फोर्थ आते हैं जो अपना नेम से डायरेक्टली क्या कर लेते हैं वो चेंज कर लेते हैं और अपना नेम रख लेते हैं अखेनाटेन. अखेनाटेन अपना नेम को चेंज कर लेते हैं जो इससे पहले वो क्या था एमेनहटेप फोर्थ थे. व्हेन ही वाज चेंज एंड एवरीथिंग, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सर्वेंट ऑफ अतेन. उसका मीनिंग होता है कि जो अतेन है उनका वो सर्वेंट है. एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द सिटी ऑफ His अब न्यू सिटी इज द कॉल टू अखेनाटेन नाउ इन कॉल टू अमरना. अब वो जो वहाँ कैपिटल सिटीज थे उनको भी वो बदल देता है नेम्स को, न्यू सिटीज जो अखेनाटेन के नाम से रखता है और जो कि अब अमरना के नाम से जाना जाता है. सो व्हेन
When Tut's father, he was a very cruel type of kings. Everything he was changed, especially of rules of temples. Anybody can't go temples, everything else, just like as a, you know very well, Aurangzeb. अब जैसे इस टाइम में पहले मुगल इम्पायर में औरंगजेब था, वैसे ही वो क्या करता है, वहाँ पे जितने भी टेम्पल्स थे एज कम्प्लीटली मूर्तिज थे उन सबको वो बंद कर देता है. शिकागोज जो रिसर्च सेंटर्स थे उसको वो स्टॉप्स करा देता है. लॉट्स ऑफ थिंग्स दे हैव स्टॉप्ड ऑन दैट प्लेस. दैट्स बिकॉज दैट टाइम्स इट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर ऑल इजिप्ट पीपल्स. उस समय क्या था, जो उनकी डायनेस्टी थी लोगों के लिए सबसे खराब डायनेस्टी थी.